नहीं जी, नहीं हो सकता सेट, नहीं हो सकता। तो जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है कैप्शन देख कर के यूके के अंदर बंदा सेट हो सकता है इजी या नहीं, तो उनको तो उनका जवाब मिल गया है, नहीं हो सकता। और अगर आपने डिटेल जाननी है कि क्यों नहीं हो सकता यूके के अंदर बंदा आके सेट इजीली, तो आप फिर जो मेरी बाकी फुल वीडियो है वो दे सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बाकी सबको। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कमेंट्स आए हैं कि यार अगर बंदा यूके पहुंच जाता है तो यहाँ पे सेटलमेंट उसकी हो सकती है, इजी वो सेट हो सकता है यहाँ पे या नहीं हो सकता। तो मेरा भाई, जैसे मैंने शुरू में बताया है कि सेटलमेंट जो है वो इजी नहीं है, हो सकता है सेट लेकिन इजी नहीं है, मतलब कि नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में सेट नहीं हो सकता। वो इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूके आने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपना स्टूडेंट वीज़ा लगवाएं और स्टूडेंट वीज़ा लगवा के आप यूके आ जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना विजिट वीज़ा लगाएं, जिस वीज़े पे मैं हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा लगाएं तो उस वीज़े पे यूके आ जाएं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आते हैं जी स्टडी वीज़े पे, तो स्टडी वीज़े पे अभी आने वाले रूल्स तो काफ़ी सख्त हो गए हैं, जो नए रूल्स हैं उस हिसाब से। अब वो जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो न्यूकासल में हैं, ब्रैडफर्ड में हैं और बाकी दूर दूर जगह पे जो दूसरी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पहले दाखला दे दिया करती थी, अब वो एडमिशन नहीं दिया करेंगी। तो जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ उनमें जो है वो एडमिशन मिला करेगा। तो छोटी यूनिवर्सिटी में जो हमारे जैसे मुल्कों वाले जो लड़के हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो लड़के हैं इनके लिए जो है वो एडमिशन ज़रा उन्होंने हार्ड कर दिया, मुश्किल कर दिया, क्योंकि पहले किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाया करता था, मास्टर्स में या बैचलर्स में, अब वो नहीं मिले करेगा। तो आपका वो रास्ता तो हो गया ज़रा हार्ड, लेकिन फिर भी अगर आपको एडमिशन मिल गया और आप यहाँ पर आ गए, आने के बाद काम मिल जाता है, अगर आप स्टूडेंट हैं काम मिल जाता है, लेकिन आपको अब यूनिवर्सिटी में अपने आवर्स, जो आपके कोर्स के आवर्स हैं, वो पूरे करने पड़ते हैं। पहले ऐसा ज़रा ज़रूरी नहीं था, ठीक है आप काम भी कर रहे हैं साथ और आप यूनिवर्सिटी भी हफ्ते में, वीक में एक दफ़ा जा रहे हैं, तो वो इतना इश्यू नहीं था। लेकिन अभी आपको अपने आवर्स जो हैं वो पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे, और अगर आप आवर कंप्लीट करेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे, तो काम फिर किस वक्त करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो खाएँगे कहाँ से? और अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो उसके लिए तो आप आए ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वाले वो पढ़ने तो आते नहीं हैं, काम के लिए आते हैं कि काम मिल जाए और पैसे हम कमा सकें। अगर फिर आपको काम मिलता भी है तो वो कम प्राइस में मिलेगा, काम ज़्यादा लेंगे कम प्राइस में मिलेगा, तो ये तो बात ख़त्म होगी। क्योंकि अगर आप विज़िट पे आते हैं, सॉरी, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं और आपको काम भी नहीं मिल रहा और आपको स्टडी भी करनी पड़ रही है, तो ये रास्ता तो क्लोज़ हो गया। दूसरा रास्ता है वो जो मैंने अख्तियार किया है कि मैं यहाँ पे आया हूँ विजिट वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़े पे अगर आप आते हैं तो आपको काम ही नहीं मिलता। स्टूडेंट वीज़े पे तो आपको काम मिल जाता है, लेकिन टूरिस्ट वीज़े पे काम मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों से मैंने पूछा है, देखा भी है कि स्टूडेंट वीज़े पे काम नहीं मिल रहा। हाँ, मिल रहा है। एक मुझे यहाँ पे एक इंडियन भाई मिले थे, उनसे मैंने पूछा, पहले तो वो मुझसे झूठ बोलते रहे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। तो पूरा दिन एक उनके साथ गुजरा था, तो बाद में जाते हुए फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इंडिया से 35 लाख देकर यहाँ पे आया हूँ विजिट वीज़े पर, और अभी मेरा 1 मंथ विज़िट बाकी है, तो मैं काम कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन बंदों के साथ। हम सारा दिन जो हैं वो छुपे हुए रहते हैं, मतलब दूर दूर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, और मुझे वेज भी बहुत कम मिल रही है। तो जो विजिट वीज़े वाले लोग हैं उनके लिए भी सेटलमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप परमानेंट नहीं हो सकते, ठीक है। परमानेंट आपको रेजिडेंसी यहाँ पे यूके नहीं देगा। हाँ, आप छुप छुप के काम करते रहें, जब तक करते रहेंगे, मतलब अगर आप अपने किसी भी कंट्री से आते हैं, दुबई से आते हैं या किसी भी कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं विजिट वीज़े पर, तो आप ये सोच के हैं कि आप 10-15 साल किसी सूरत वापस नहीं जा सकते, उस सिलसिले में आपकी सेटलमेंट कैसे होगी? मेरे जैसे जो शादीशुदा लोग हैं हम तो सेटलमेंट नहीं कर सकते, जो कमा रहे हैं, हाँ वो यहाँ पे आके अगर आपको लड़की मिल जाती है जो सेट है, अगर पाकिस्तानी फैमिली से मिल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर गोरी वाला तो आपको हिसाब ही नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे तो कोई गोरी आपको पसंद कर लेगी और आपसे शादी कर लेगी,
और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को अपने दिल से दिमाग से निकाल दें। आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहाँ पे नहीं चलती। गोरे भी सियाने हो चुके हुए हैं कि यार दुनिया से अगर मतलब कंट्री से लोग आते हैं और आके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके यहाँ पे रेजिडेंस हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का यूके में ख्याल ही छोड़ दें, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब नहीं चलती। तो अगर आपको कोई पाकिस्तानी लड़की मिल गई जिसके पास पेपर हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग भी आजकल शादियाँ बाहर नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि भूखे भूखे लड़के आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो उनसे शादी करने का फ़ायदा कोई नहीं। हाँ, वो आपकी किस्मत है, आपका मुकद्दर है, आपको कोई मिल जाती है तो आपको वो भी उससे शादी करने के बाद काफ़ी उनकी इन्वेस्टिगेशन है, चेकिंग है, उसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो शादी है जी एक रास्ता, अगर आप स्टूडेंट आएंगे फिर भी शादी, अगर आप वैसे आएंगे फिर भी शादी, तो वो शादी जो है वो आपको यूके की लड़की से करनी पड़ेगी जो गोरी है, उससे तो बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको कोई पाकिस्तानी मिल गई तो आप उस सिलसिले में आपकी सेटिंग हो सकती है। बाकी रह गया जी कि मैं वैसे ही सेट हो जाऊं, कोई शायद रूल, हाँ कोई रूल बदल जाए अगर, तो वो अलग बात है कि यूके गवर्नमेंट जो है वो कोई रूल चेंज कर दे तो उस रूल के हिसाब से आप यहाँ पे इनके सिटीज़न बन जाएं, आपका आपको रेजिडेंसी मिल जाए। तो अगर रूल चेंज नहीं होगा तो ये जो रास्ते हैं आने के यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे या रेजिडेंस वीज़े पे, सॉरी स्टूडेंट वीज़े पे या विज़िट वीज़े पे, इन दोनों वीज़ों पे आपकी सेटलमेंट यहाँ पे नहीं होगी। और अगर आप एक दफ़ा इंटर हो गए और अगर आप ओवर स्टे हो गए, यहाँ से आप वापस टाइम पे नहीं गए, तो फिर आप यही सोचें कि आप फिर परमानेंट इधर ही हैं और आप वापस नहीं जा सकते। रात को मुझे एक अंकल मिले हैं, वो 20 साल से इधर हैं, 20 साल से, और 20 साल हो गए हैं उनको पेपर नहीं मिले और वो छुप के ही काम करते हैं। तो वो मुझे रात को बता रहे थे कि हमारी वेज भी कम है मेरी, लेकिन कहते हैं कि मैं बच्चे छोड़ के आया था, मेरे बच्चे जो हैं वो 3-3, 4-4 साल के थे और अब वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, सिर्फ ये मुझे फ़ायदा है कि उनको मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा लिया है और बाकी मैं अपनी ज़िंदगी तो गुजार चुका हूँ, अभी मेरे 20 साल पूरे हो जाएंगे, मेरा बच्चा जो है वो नौकरी लगने वाला है, तो वो जब लग जाएगा तो फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो ये रास्ता है, बाकी इतनी चेकिंग वैकिंग नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं और आके वैसे ही इलीगल काम करना चाहते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं पाकिस्तान नहीं रह सकता और ना भी वापस जाऊं तो कोई मसला नहीं है, तो फिर आप आ जाएं, आके फिर इलीगल रहते रहें, कोई नहीं कोई पकड़ता। यहाँ मैं सेंट्रल लंदन में हूँ, कितने दिनों से हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं पूछा, जितने जिस जगह पर भी गया हूँ सब जगह पर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, और उसमें 80% वो हैं जो इलीगली हैं, 20% वो हैं जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के पैदाइश है जिनकी, और बाकी सारे इलीगली हैं, वो भी काम कर ही रहे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा, वो भी इसी इंतज़ार में कि या कोई रूल चेंज हो जाए या कोई गोरी मिल जाए तो हम उसे शादी कर लें और परमानेंट हो जाएं। बहुत से लोग वो हैं जो शादियाँ करके भी आए हुए हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान इंडिया में हैं, वो छोड़ के आ गए हुए हैं सिर्फ अच्छे फ्यूचर के लिए। तो ये चीज़ मैंने आपको सारी बता दी है डिटेल के साथ कि यहाँ पे सेटलमेंट किस तरह हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि हम यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इलीगल रह के, तो उसकी कोई बंदे की वो ख़ास ज़िंदगी है नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं वो ज़िंदगी गुजार लूँगा तो आप आ जाएं, आके इलीगल रह के अपना काम कर लें। वेजेस जो हैं वो कनाडा अमेरिका जैसी नहीं है, वेजेस इतनी हैं कि आप मुश्किल से गुजारा ही कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान से तो मतलब अच्छा ही है, आप 1-1.25 लाख पाकिस्तान भेज सकते हैं, कुछ ज़्यादा शिफ्टें लगाएंगे तो और भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कभी परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे नहीं ले सकते जब तक आपका कोई अच्छा जुगाड़ ना लग जाए। तो बहुत शुक्रिया जी, अगर कोई बात रह गई है या अगर आपको कोई बात फिर भी समझ नहीं आई या मेरी तरफ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको चली गई है और किसी के पास कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा, क्योंकि जो मैंने 6-7 दिन के अंदर देखा है लोगों के साथ और आगे पीछे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है काफ़ी लोगों के मैसेजेस की वजह से, तो आपका बहुत शुक्रिया जिसने फुल वीडियो देखी है और थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। शुक्रिया।